कश्मीर में नौजवान शदीद बर्बरियत का निशाना बनाए जा रहे हैं और इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान 27 सितंबर को अक्वामे मुतहदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, जिस पर उनका ये कहना है कि वो इस बार ऐसा मुकदमा लड़ेंगे जो आज तक कभी नहीं लड़ा गया। तो इस पर अवाम की और पूरे पाकिस्तान की क्या तवक्कात हैं, इसके बारे में हम अवाम से राय जानते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जनरल असम्बली में जब हम जाएँ तो कश्मीर का मुकदमा रिवायत से हट के पेश करें, इसलिए कि कश्मीरी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उनकी आवाज़ पे अगर आज हम पूरा नहीं उतरते तो फिर कभी इसका मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पे कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट में यहाँ पे आई हूँ और हम सारे कश्मीरी कश्मीर के लिए आज़ादी चाहते हैं और हम कश्मीर को इंडिया आज़ाद कर, इंडिया को कश्मीर आज़ाद कर देना चाहिए। उनके ऊपर जो उन पर जुल्म किया जा रहा है उन पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रहमान रहीम, मैं डॉक्टर आरम बागरे जी अब्बासपुर से हूँ और स्पेशली इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे साथी कोई आए हैं, बहुत सारे, हम ऑल द वे फ्रॉम अब्बासपुर और अवामी जमहूरी इत्तेहाद, मैं आई एम दी चेयरमैन ऑफ अवामी जमहूरी इत्तेहाद। बेसिकली जी, जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली कश्मीर जो है वो एक किसी कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये वहाँ के रहने वाले इंसानों का मसला है कि जो वो 1947 से जो एट्रॉसिटीज़ वो बर्दाश्त कर रहे हैं और जो जुल्म और सितम जो है, जो बेसिक जो फार्मूला था कि जो इसको बेसिकली डिवीजन जो थी, जो रॉन्ग डिवीजन हुई है, और उसके 47 से लेके आज तक जो है ये एजिटेशन चल रही है और यूनाइटेड नेशन ने इसको तस्लीम किया है कि प्लेबिसाइड इज द आंसर, लेकिन आज तक इसका प्लेबिसाइड जो है वो यूनाइटेड नेशन के करारदादें मौजूद होने के बावजूद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो इस वक्त मेरा मैसेज जो कश्मीरियों के लिए है वो ये है कि यूनिटी, प्लीज़ डोंट डिवाइड योर सेल्फ। और ये जो चीज़ें हैं कि इस वक्त यह कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, कोई मतलब इलाके पाकिस्तान की, ये चीज़ें बात की ये बात हैं। वी नीड प्लेबिसाइट एंड एट दिस मोमेंट देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दिस के जी आप अपने आप को डिवाइड करें। अपने एक बड़ा मिशन जो है हमारा वो बहुत पीछे चला जाएगा। इफ़ यू आर डिवाइडिंग योर सेल्फ तो बी यूनाइटेड और यू रियलाइज द एट्रॉसिटीज ऑफ इंडिया के वो कितना जुल्म और सितम इस वक्त कश्मीरियों के साथ हो रहा है। वहाँ की मस्जिदें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, वहाँ पे जो बेसिक आई एम ए डॉक्टर एंड आई फील दैट उनको फर्स्ट एड वहाँ पे नहीं मिल रही। और मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टरों की टीम है जो कि वहाँ इंडिया में जाना चाहती है वहाँ पर, और वहाँ जाके वो कश्मीरियों को फर्स्ट एड देना चाहते हैं। हम आई एम आल्सो ए वॉलंटियर कि मैं जाऊँ वहाँ पर, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे। और इस वक्त जब वहाँ पे कोई मीडिया एक्सेस नहीं है, कोई यानी कि बेसिक एमिनिटीज़ जो उनको नहीं प्रोवाइड किए हैं, यू जस्ट इमेजिन के 50 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और उनको घरों में कैद हो बंद की मतलब बंद किया जा रहा है और उनको उनको जो है ना वहाँ से किडनैपिंग, रैनसम और वहाँ से मतलब एट्रॉसिटीज़ और इसमत दरी के वाक़ात जो हो रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये, और दूसरी बात ये मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बहुत सारे के जज्बाती बातें होती हैं कि यू स्टार्ट फॉर द वार एंड दिस एंड दैट। हमारे जो है ना, मैं दिस स्पेशली आई वांट टू गिव द मैसेज टू माय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज एन इमोशनल स्टेटमेंट, यू आर सेइंग जस्ट एंटर इन इंडिया, इफ यू आर एंटरिंग देयर इट्स मीन के यू विल, देयर विल बी नथिंग हेयर इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, एंड हमारी नस्लों तक जो है ना इसका खमियाजा हम नहीं भुगत सकेंगे। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आई सपोर्ट इट, कि जो इस वक्त जो जो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है और यूनाइटेड नेशन में भी अभी इंशाल्लाह ताला 27 को जो है वो उनकी स्टेटमेंट होगी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वी आर होपफुल कि वो कश्मीर के जो इशू को जिस तरह से एड्रेस किया जा रहा है, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और ये इस तरह की स्टेटमेंट है, आई रिक्वेस्ट माई लीडर्स कि प्लीज डोंट गिव सच स्टेटमेंट्स, सच इमोशनल स्टेटमेंट्स कि आप इंटर हो जाओ और जंग शुरू कर लो, दिस एंड दैट, दिस इज नॉट
We are already in war. Kashmiris are already in war. We are also already facing it. So please, thank you very much. सवाल से क्या कहना चाहेंगे कि अभी इमरान खान के बकौल के उन्होंने कहा है कि वो वहां जाके ऐसा मुकदमा लड़ेंगे जो आज से पहले कभी नहीं लड़ा, तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या देखिए, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें कश्मीरियों में खास तौर पे बहुत ज्यादा है बढ़ गई हैं, और हमें तवक्कु है कि इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी बात करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कि जिसके नतीजे में ये मसला हल होने की तरफ जाएगा, और कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे जो अभी आज की माशरे की जो कैफियत है ये फौरी तौर पे ख़त्म होगी, कर्फ्यू उठेगा, लोगों को मामूल की ज़िंदगी बहाल होगी, उन्हें इतलात तक रसाई हासिल होगी, और कश्मीर के लोग अपने रोज़मर्रा की जहाँ ज़िंदगी जी सकेंगे वहाँ उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का अख्तियार भी मिलेगा। जी नाज़रीन, आवाम से आपने उसकी राय जानी, अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि कश्मीरियों के हक़ में क्या फ़ैसला होने जा रहा है। और साफ डिजिटल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।